चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है। मैंने ये बात आपको एक हफ्ता डेढ़ पहले बताई थी कि पीसीबी अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। वो कहता ना कि आप बहल मुझे मार, वो वाला हिसाब कर रहा है पीसीबी। एक दर एक, एक के बाद एक टीम जब पाकिस्तान आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इनकार करती जा रही है। और लो इंडिया से पंगे, भाई मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, भाई चैंपियन ट्रॉफी का प्रोग्राम तो दोस्तों बढ़ गया है, क्योंकि भाई बांग्लादेश और भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी भाई मना कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने वाले, हमारे प्लेयर्स भाई सेफ नहीं है पाकिस्तान में। बताओ आप बता रहा हूं, और हर बंदा आपको बता रहा है कि जो पीसीबी ने अपने साथ गलत किया ना, वो ये किया है इन्होंने इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का, इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का कि बाकी टीमों ने जब देखा तो वो इफेक्ट पड़ा, और इंडिया के बाद अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान का तो डन हो चुका है कि वो नहीं आ रहा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ने पीसीबी से बात करना गुवारा नहीं समझा, ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की है, और उधर बात करते हुए उन्होंने बोल दिया कि हमारी टीमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है, काफी ज्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, बात सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है, और बांग्लादेश ने भी यह बात कही है कहीं ना कहीं, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है। अब पाकिस्तान को अगर होस्टिंग राइट्स मिले हुए चैंपियंस ट्रॉफी के, तो आज तो नहीं मिले यार, ये पिछले साल तो नहीं मिले, ये पिछले कुछ चार पांच साल से ये लोग मिले हुए होस्टिंग राइट्स मिले हुए, ये पूरा प्लान 2030 तक का दिया गया है। अब भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है, मुझे बताओ ना भाई। इंडिया से पंगे लेने से पहले भाई 100 दफा सोच लिया करो कि भाई बाद में हमारा हशर क्या होगा। कि मेरी ख्वाहिश है कि आए इंडिया, आना ना आना ये इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि हम आना कि नहीं आना। हेलो गाइस, फिलोड आ चुका और आप देख सकते हो, चलो 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हो। बात कर भाई सब, टीम इंडिया ने पहले ही मना कर दिया था कि हम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अफगानिस्तान बोर्ड ने भी ये कह दिया कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड ने भी सख्त मना कर दिया कि हम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इन बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मना करने का रीज़न बताया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू के कारण। तो इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का जो कि रो रो के बुरा हाल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह सब इंडिया कर रहा है, यह सब इंडिया की एक चाल है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ ना कुछ रोज आ रहा है, और हर आने वाला दिन आपको यह बता रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है। पहले इंडियन टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, फिर अफगानिस्तान टीम ने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। आपको मैंने कल या परसों एक चीज बताई थी कि बांग्लादेश के बोर्ड ने भी आईसीसी के साथ बात की है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी। और आपने आप सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज चैनल्स के ऊपर इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ खबर सुनी होगी, और ये बड़ी ऑथेंटिक, सॉरी अफगानिस्तान और इंडिया के बाद आप बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब इसके पीछे बड़ी बात क्या है, इसके पीछे वाली सारी बात क्या है, और इस बात के ऊपर अब पीसीबी का क्या एक्शन है, क्योंकि अब इसके ऊपर पीसीबी ने भी बात करना शुरू कर दिया है, पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है। जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सियासत कर रही है, बीसीसीआई जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, और एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान टीमों को जो है वो अपने अपनी बातों में लगाकर जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से दूर लेके जा रहे हो, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छिनवा रहे हो। यार मेरी ना एक बात सुनो, मैं ना आपको बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ। हमारा जो पीसीबी है ना, पहली बात है ये विद ह्यूज रिस्पेक्ट बात करूंगा सच्ची, लेकिन वरना नहीं करूंगा। हमारा पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी। सर मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है, अलिफ बे भी उस बंदे को क्रिकेट की नहीं पता, क्योंकि वो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, उसका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस बंदे ने इस मामले को इतना गंदा डील किया है, इतना गंदा डील किया है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। पहली तो बात है आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है, मुझे बताओ ना। इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट चलता है? इंडिया से पैसा आता है, बीसीसीआई से रिवेन्यू आता है। अगर मेरे मुंह से सच्ची बात सुनना चाहती हो ना तो ये सुन लो, आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है। वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ ये बेशक समझ लो। क्यों हुआ? क्योंकि भाई वो मीर बोर्ड है,
वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपने खुलेआम फिर ये बातें की कि जी हम जो है वो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंडिया बाहर में जाए, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे, चीजें आपके सामने हैं, फिर देख लो क्या हुआ है। मतलब इंडिया क्या करे, इंडिया ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे अफगानिस्तान भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भाई जान जब निकलती है ना तो समझ लो बेड़ा गर्क हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। बांग्लादेश का तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बांग्लादेश नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने, और बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने ये बात बताई थी कि हम टेस्ट सीरीज खेलने, बायलैटरल सीरीज खेलने पाकिस्तान जरूर आएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं। देखिए पहली बात जो आपने की है कि पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं ट्रैवल करती 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम 2026 में नहीं जाएंगे, जहाँ तक ये स्टांस है ये तो स्टांस तो वैलिड है, बहुत जबरदस्त स्टांस है, इस स्टांस पे रहना चाहिए। लेकिन ये कबल वक्त बात है ना, आप मुझे बताएं कि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बीसीसीआई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये मीडिया हाइप है, मीडिया में बातें हो रही हैं, उनकी जर्नलिस्ट से बातें हो रही हैं, तो हमारे बोर्ड को क्या जरूरत है इस तरह का, ये प्री मेच्योर इस तरह की बात करने की कि हम इंडिया नहीं जाएंगे 2026 में। हम लोग इस तरह की बात कर देते हैं, आपको याद होगा 2021-22 में हम लोग रमीज़ राजा चेयरमैन थे, रमीज़ राजा ने भी यही बात की थी, हमें अगर एशिया कप में इंडिया टीम नहीं आती तो हम नहीं जा रहे 2023 में खेलने। फिर क्या हुआ, रमीज़ राजा साहब घर चले गए, उनका बुरिया बिस्तर गोल हो गया, वो आगे ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ ने आगे क्या किया जी, हाइब्रिड मॉडल ले आए, हाइब्रिड मॉडल ले आए, सबको खुश कर दिया, सब खुश हैं जी, एशिया कप हो गया आपका, पाकिस्तान में आ गई टीमें आ गई आपकी, बाकी बांग्लादेश श्रीलंका आ गई और इंडिया ने वो जीत लिया श्रीलंका में, और हम 2023 में गए हैं इंडिया, नो डाउट। अच्छा डिसीजन था, हमने अप्रिशिएट किया बींग अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और ऑल ओवर द क्रिकेट, हमने अप्रिशिएट किया इस चीज को, यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि अपनी टीम को वहां भेजा है। और हमें अगर यही बातें चलती रही भाई इंडिया आएगा नहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, तो शायद ये कभी ना कभी ऐसा होगा कि कभी दोनों टीमों के मैचेस खत्म ही हो जाएंगे। देखें आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीमें क्लैश करती हैं, और जब जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, आप तो आईसीसी का टूर्नामेंट आप देखें एवरी ईयर कोई ना कोई टूर्नामेंट आ रहा है आईसीसी का, हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट आ रहा है, तो 4 साल वाली गेम भी नहीं रही, हर साल टूर्नामेंट आता है, फिर एशिया का बीच में आता है, तो हर साल ये एक दो दफा क्लैश आ जाता है। अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी अगर आईसीसी और बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं अगर वो इस चीज को नहीं कंसीडर करेंगे कि जिस कंट्री को होस्टिंग राइट्स दिए गए हैं, तो यार वहां पर तो होने चाहिए ना। अब पाकिस्तान को अगर होस्टिंग राइट्स मिले हुए चैंपियंस ट्रॉफी के, तो आज तो नहीं मिले, या ये पिछले साल तो नहीं मिले, ये पिछले कुछ 4-5 साल से ये लोग मिले हुए हैं हाउसिंग राइट्स मिले हुए, ये पूरा प्लान 2030 तक का दिया गया है। देखिए इंडियन मीडिया की इतनी खबरें निकाल रहा है, तो शायद बीसीसीआई को भी कि अपना ऑफिशियल यहां पे अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि यार हम अभी वेट करने हैं, हम वेट करेंगे फिर हम जवाब देंगे। इंडियन बोर्ड को अपनी को प्रेस रिलीज देनी चाहिए कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं जो मीडिया में की जा रही है, कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये वक्त आएगा तो हम बताएंगे, या हमारी गवर्नमेंट जब हमें गो अहेड देगी तब हम जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें उनकी बोर्ड की तरफ से भी यही चीजें हैं, वो उनका बोर्ड चुप है, कोई बात नहीं कर रहा, इंडियन मीडिया जो है ना वो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, और हमारा बोर्ड वहां से उनको उनके मीडिया के बाद उनका रिस्पॉन्स दे रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इंडियन टीम को जरूर ट्रैवल करना चाहिए, और आईसीसी को इसमें चाहिए। आईसीसी बेसिकली वैसे ये भी एक मजाकिया बात है कि आईसीसी कोई एक जो है ना क्रिकेटिंग बॉडी है, वो बेसिकली वही है जो इंडियन टीम है, ठीक है ना, इंडियन टीम के। और मजे की बात यह है कि आगे जो है आगे मीटिंग जो उनकी हो रही है, नेक्स्ट जो उनके चेयरमैन आ रहे हैं वो भी जय शाह आ रहे हैं आईसीसी के। बिल्कुल, तो खतरा हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट को, बहुत ज्यादा हो सकता है, वो मुश्किल है, क्योंकि अब जय शाह अगर आ रहे हैं तो ये उनकी परसेप्शन है कि वो जो है ना वो पाकिस्तान में, उनका वैसे ही उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन थे तभी वो पाकिस्तान में नहीं उन्होंने करवाने दिए, वो हाइब्रिड मॉडल को उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इस सिनेरियो में वैसे जो है ना अगर तो पाकिस्तान में अगर होती चैंपियंस ट्रॉफी तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अदर इस बात के चैनल को जरूर से तो बात करें सब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फिर से ढिंडोरा पीटने लगा है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया को अभी ये खबर मिली कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड ने भी जो कि सख्त मना कर दिया, हम भी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और रीज़न बताएं कि सिक्योरिटी इशू, पाकिस्तान में जो कि दिन भर दिन जो कि दंगे प्रसाद होते रहते हैं, इसी कारण से प्लेयरों को खतरा है, इसके चलते जो कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश बोर्ड ने जो कि बता दिया कि हम भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह सब इंडिया की चाल है, यह सब कुछ इंडिया कर रहा है, तो भाई ये इंडिया ही कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने पहले ही मना कर दिया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर उनके साथ जो कि अफगानिस्तान बोर्ड हर बार जो कि इंडिया के साथ रहता है, और इंडिया को जो कि कहता है कि इंडिया ने हमें क्रिकेट सिखाया, इसी कारण से अफगानिस्तान बोर्ड जो कि इंडिया बोर्ड के साथ रहता है, तो इन दोनों बोर्ड ने तो पहले ही कह दिया था कि हम जो कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश ने भी कह दिया है, तो पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि इंडिया ने जो कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को बोला है, बांग्लादेश बोर्ड को बोला है कि आप भी मत जाओ, फिर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, किसी हाइब्रिड मॉडल पर जो कि शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बात सही है, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो कि आईसीसी को बोल दिया कि आप लगभग 2-3 टीमों को
रोक दीजिए, उसके बाद जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी क्योंकि चार टीमें लगभग नहीं आएगी, तो पाकिस्तान में से चैंपियंस ट्रॉफी जो किसी हाइब्रिड मॉडल पर जो कि शिफ्ट हो जाएगी और यह मसला पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और सभी टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले पाएगी। तो हाइब्रिड मॉडल का जो कि दो वेन्यू रखा है जो कि श्रीलंका वर्सेज यूएई, ये दोनों वही है, या तो श्रीलंका में जो कि शिफ्ट होगा या जो कि यूएई में, खबर ये आ रही कि यूएई में जो कि इंडिया के मैच होंगे, लेकिन अब खबर है जो कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड से ये क्या आ रही है कि ये दोनों भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। तो भाई सब लगभग ऐसा लग रहा है कि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी लगभग पाकिस्तान से बाहर ही होगी। और बात करें पाकिस्तान के एक्स तनवीर अहमद, उन्होंने जो कि अपने यूट्यूब अकाउंट में जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर यह कहा था कि टीम इंडिया एक रद्दी भरी टीम है और टीम इंडिया जो कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके चलते टीम इंडिया और बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को भी बोल दिया कि आप ही मत जाओ, पूरी तरह से पीसीबी को अपनी औकात का पता चल जाएगा। और अब इन बोर्डों को मना करने के बाद पीसीबी हाथ पैर जोड़ने को तैयार हो गया कि आप हमारे जो कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना हो, पूरी तरह से पीसीबी को जो कि औकात बता दी बीसीसीआई ने और पूरी तरह से भाई सब आईसीसी को भी पैसा जो कि बीसीसीआई देता है क्योंकि सबसे अमीर बोर्ड है। इसी के चलते आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी बोल दिया कि आप पाकिस्तान में जो कि खेलने मत जाओ क्योंकि बीसीसीआई के कहने से। तो इसी के कारण जो कि अब एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद को पता चल गया भाई सब बीसीसीआई कितना पावरफुल है, अब जो कि लगभग चैंपियंस ट्रॉफी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट हो जाएगी और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। तो आपको रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।